मुझे छाने लगा कोई न जाने जो चल खोता है क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता है हो रहा था हल्का हल्का सा। फिर रास्ते में ये हमें एक प्यारा सा गार्डन मिल गया था। तो ये गार्डन में ना ऐसे ही रैंडमली हम विज़िट किए थे और ये बहुत ब्यूटीफुल था। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्लावर्स थे तो मैंने इसे थोड़ा बहुत शूट कर लिया। इसको भी बहुत प्यारा लग रहा था तो मेरे को फ्लावर्स बहुत पसंद है तो मैं जहाँ भी देखती हूँ फ्लावर्स ना अट्रैक्ट हो जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे गई थी एंड मैंने यहाँ पर भी शूटिंग वगैरह किया। फिर मतलब बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, इतना सुंदर था। आप वायनाड का जर्नी मतलब रास्ता शुरू ही करोगे ना, सिर्फ आपको नेचर ही नेचर मिलेंगे, सिर्फ पेड़ पौधे, बहुत बहुत सुंदर लगता है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे वो सारे फ्लावर्स हैं और हाँ यहाँ पे ना एक छोटे से घर बने हुए थे, इतना सुंदर था वो घर। तो था बड़ा छोटा सा बट इतना ब्यूटीफुल था ना उसका व्यू, ऐसे फ्लावर्स पूरे रखे गए थे। तो यहाँ पे तो एक शॉट बनता ही था तो मैंने यहाँ पे शूट किया, बहुत ब्यूटीफुल था। तो फिर हम यहाँ से शूट वूट करके फिर हम यहाँ से निकलेंगे। तो ये सारे फ्लावर्स हैं जो बड़े सुंदर लग रहे थे। हाँ यहाँ पे कुछ और देख करना चाहती थी बट हुआ कुछ और देखे एनीवेज, बट अच्छा ही था जो भी था, बहुत सुंदर था। आपको हर एक प्लांट्स मिलेंगे यहाँ से। मैंने सोचा भी था कि प्लांट ले आओ बट यहाँ पे प्लांट लेके आने के बाद ना बहुत डेलिकेट प्लांट होते हैं, इनको सनलाइट की ज़रूरत होती है, बट मैं ट्रैवलिंग कर रही थी सो मैं नहीं ला पाई। बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाते जाते मेरे को मिल जाएगा तो मैं ज़रूर इसे लेके जाऊँगी। बहुत सुंदर था। तो ये स्काई वॉक के लिए welcome back to my channel again. So I am here in Vayanad and you can see this beautiful place. So I'm going to stay here. So main yahan pure 5 or 6 days rahungi but still I didn't plan. So abhi mera ye makeup chal raha hai, makeup nahi such a little bit thoda sa touch up chal raha hai and maine apne laptop ke sath sari cheeze fixed hai. So main yahan pe aa chuki hu. तो चलिए अभी हम रेडी हैं बॉन फायर के लिए। मैं आपको बॉन फायर दिखाती हूँ, बॉन फायर कैसा है वो आपको देखने में बड़ा मज़ा आएगा। आई एम सो एक्साइटेड दैट मैं यहाँ पे इतना दिन रहने वाली हूँ। सुबह का व्यू आई विल शो यू बट रात में ये कुछ ऐसा ही दिखता है। ये बुधा है, दिस इज़ माई टेंट। सो ये है, तो ये मेरा बैग था। अभी सारी चीज़ें हमारी हो गई है प्रिपेयर, तो अभी हम जा रहे हैं नीचे द बॉन फायर। तो आप लोग भी मेरे साथ चलिए, तो देखिए बॉनफायर कैसा होता है। After camp.
कैंप फायर, हम यहाँ पे डांस करना शुरू कर दिए थे. तो हमारे पूरे ग्रुप मिलके हम लोग डांस कर रहे थे, मतलब जिसको मन था डांस करने का वो लोग डांस कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था. ये ना मैं कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा इसलिए मैं ये सॉन्ग यहाँ पे प्ले नहीं कर रही हूँ, बट आप गेस करना मैं कौन से सॉन्ग में डांस कर रही हूँ. स्टेप्स थोड़े थोड़े तो मिल रहे हैं, आई गेस आप कर पाओगे बट पता नहीं. तो यहाँ पे हम लोग डांस वांस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था. हमने यहाँ पे फायर लगवाया था एकदम सुकून पहाड़ के ऊपर ना, बहुत मज़ा आ रहा था. हेलो गाइस, तो अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 11:40. तो मेरे ग्रुप के जितने भी लोग हैं ना, सारे सब कोई सोने जा चुके हैं. मेरे को थोड़ा सा काम था तो मैं टेंट के बाहर ना अपना लैप भी उठा के बैठ गई हूँ काम करने के लिए. सो मैं काम कर रही हूँ और मेरे को इतना डर लग रहा है, मेरे को ऐसे लग रहा है कहीं शेर नहीं आ जाए. बट आई नो ऐसा नहीं है. बट यहाँ पे ना कल एक इंसिडेंट हो रखा था कि मतलब टाइगर ना अटैक किया था. और मतलब एक मेल टाइगर फीमेल टाइगर था, उनका एक बच्चा था. तो फीमेल टाइगर को ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के या फिर लोकलाइट पता नहीं कौन, बट कोई लोग ने उसे पकड़ के ना यहाँ के, तो यहाँ पे वायनाड के जो लोकलाइट्स हैं ना वो लोग बोल रहे थे कि टाइगर्स लोगों का जो काउंट है ना वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. सो आई एम सो स्केड काउंट बढ़ रहा है इसलिए ना वो लोग यहाँ वहाँ कहीं भी जाते हैं. और जिसके घर पेट होता है ना, जैसे काउज होते हैं, ये होते हैं, उनको खाने के लिए ना वो लोग आसपास के लोकल ऐसे घरों में भी घुस जाते हैं रैंडमली एंड ऑल. सो यहाँ पे माहौल इतना ज़्यादा, ये जंगल में डरावना लग रहा है ना. मेरे को सोच सोच के मेरे को बुखार आ रहा है कि सही मेरे को कैसे कैसा होगा. बट फिर भी बहुत ही प्यारा जगह है, मैं बैठ के इतना व्यू एंजॉय कर रही हूँ, अपना काम भी कर रही हूँ. तो आप लोगों को ना सुबह जब मैं उठूँगी ना जल्दी मॉर्निंग में, तो आपको ना इसका व्यू मैं पूरी तरीके से दिखाऊँगी कितना सुंदर लगता है. तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहो. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. तो हो गया है सुबह. आज मैं सो के उठते उठते मेरा थोड़ा लेट हो गया, बट मैं अभी उठी हूँ. तो चलिए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ. बहुत ज़्यादा ठंड है अभी यहाँ पे. मैं आपको व्यू दिखाती हूँ. तो यहाँ पे हो गया है मॉर्निंग का व्यू. जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कितना ब्यूटीफुल है. ठंडी मतलब थी, वैसे नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल भी नहीं था, बट उतना ज़्यादा नहीं था जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रही थी. बट रात में बहुत ज़्यादा हो जाता है, दिन पे धूप रहता है, रात पे बहुत ठंड होती है. तो यहाँ पे ना मेरा मॉर्निंग शुरू होने के बाद मैं फ्रेश हो चुकी थी और अपना ब्रेकफास्ट भी हो गया था ख़त्म. फिर हम लोग चले थे ना ट्रेकिंग पे, क्योंकि मेरे जो भी ग्रुप्स के मेंबर थे वो लोग ऑलरेडी सुबह ना ट्रेकिंग करके आ चुके थे. सो आई थॉट कि आई एम लेट, बट मेरे को एनी हाउ ट्रेकिंग करना था. फिर भी मैं प्रिपेयर नहीं थी, बट फिर भी मैं ट्रेकिंग के लिए गई. तो यहाँ पे हो जाता है हमारा ट्रेकिंग शुरू. और ये जो आप भैया देख पा रहे हो ना इज़ अ गाइड, तो वो उनके बिना हम नहीं जा सकते वहाँ पे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप अकेले नहीं जा सकते. तो इनके हेल्प से मैं ऊपर जा रही हूँ ट्रेकिंग. आप मेरे साथ एकदम ना ये वीडियो देखते रहो यार. जब मैं टॉप में पहुँच जाऊँगी ना तब आप व्यू देखना यार, गजब है, ऑसम है. तो बने रहो आप मेरे साथ, ठीक है. तो ये रहा एक छोटा सा ग्लिम्स. तो मैंने ऐसे मैं शूट नहीं कर पा रही थी, तो मैं उनको बोलती भैया कि आप मेरा शूट कर देंगे. तो बोले हाँ हाँ श्योर, क्यों नहीं. तो इन्होंने मेरा शूट किया. बहुत मुश्किल से ना, आपको दिखने में शायद ये बहुत इजी लग रहा होगा, बट ये इजी बिल्कुल भी नहीं था. इतना हाइट पे चढ़ना मतलब मजाक नहीं है, बहुत मुश्किल था. और ये स्टिक पकड़ना तो बहुत मतलब बहुत ज़रूरी था. जब भैया ने सजेस्ट किया कि आपको स्टिक पकड़ जाना है, थॉट कि भैया इसकी ज़रूरत ही नहीं है. देन आई रियलाइज्ड ऊपर चल के कि नहीं यार, ये स्टिक की बहुत ज़रूरत थी यार, इसको लेके जाना ही था. तो ये हो गया हम लोग का ट्रेकिंग शुरू. और एकदम फॉगी फॉगी, सनी तो था, धूप तो था, सनी डे था, बट फॉग भी था उसके साथ. और बड़ा मतलब सुहाना मौसम था यार, बड़ा मज़ा आ रहा था मेरे को, इतना अच्छा लग रहा था. तो ऐसे करके हम चल रहे थे ऊपर ऊपर, जैसे आप चढ़ते चढ़ते जाओगे.
तो आपको ना ऐसा फील होगा कि आप थोड़ा सा नीचे से आप थोड़ा ऊपर आओगे, थोड़ा डिफिकल्ट है, फिर आप थोड़ा ऊपर चल जाओगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं यू कैन डू इट, बट आप नीचे जब आ रहे हो ना इट्स टू डिफिकल्ट। मैंने नीचे आते टाइम शूट भी नहीं कर पाई बिकॉज हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं बोल रही थी भैया मैं ऐसे स्लिप कर जाऊंगी, पैर पे चोट भी लगा और ऊपर मैं कैसे जाऊं, बिल्कुल आ रहा है, ट्राइंग माय बेस्ट जाते टाइम मैंने बोला बिकॉज आई डोंट हैव एनी शूज विद मी, ऐसे कर रहे तो हम यहां से ना चल चल के जा रहे थे कि बस हम थोड़ा ही दूर ऐसे चढ़ के ऊपर आ पाए थे, फिर हम ऐसे धीरे धीरे करके ना पूरा ऊपर चढ़े। आप जो ये पार्ट देख रहे हैं ना, कि अब देख के मेरे को इतना हंसी आ रहा है, यहाँ पे ना इस रोप से आपको ऊपर जाना था तो इतना मुश्किल लग रहा था ये, मतलब जैसे तैसे करके मैंने ये पार किया, यह बहुत मुश्किल था। तो चलते रहिए मेरी जर्नी, आप लोग देखते रहिए, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। आप लोग अगर कभी अगर आप लोग कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लेना, बट अभी आप मेरे वीडियो से ही आप फील करो कि अगर आप खुद चढ़ रहे हो तो आपको कैसा फील होगा। यार बहुत मुश्किल था, ठीक है रास्ते पे ऐसे ऐसे होता रहता है, बट यार मेरे को डर था कि रास्ते में ना कहीं सांप वाँप ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे झाड़ थे तो थोड़े थोड़े से तो ऐसे डर लग रहा था, बट ठीक है। Was it all in my fantasy? I'm here in the top of the hill.
यू गाइस कैन सी, आपको पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बट ये बहुत हाइट में है. अगर यहाँ से कोई भी गिरता है देयर इज नो चांस, सीधे ऊपर चले जाओगे. सो आई एम हियर. सो मेरे पास कोई प्लान नहीं था, सो आई डिडंट ब्रिंग माई शूज़ एंड एवरीथिंग. बट आप कभी भी अगर ट्रेकिंग पे जा रहे हो, मेक श्योर आपके जूते वूते सही हो भैया, बहुत रिस्की है. मैं तो जैसे तैसे करके चढ़ी गई, मज़ा आ रहा है लेकिन सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है. Okay. Yeah. So hi guys. So how you're feeling with me? Please अपना ज़रूर अपना feelings जो है ना बताना मेरे को. यार मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और वायनाड का जो places है वो मैं आपको एक एक करके बताऊँगी अपने videos में. But this is भैया ये place का नाम क्या है? अम्पुत्तीमल्ला. दिस इज अम्पुत्तीमल्ला. एंड ये हिल का नाम क्या है? ये हिल का नाम क्या है? आप अगर कभी भी आ रहे हो प्लीज एक्सप्लोर दिस प्लेस. दिस इज लाइक ऑसम ऑसम. अगर आप नेचर आपको पसंद है तो यू आर नेचर लवर, आई जस्ट रिकमेंड यू प्लीज कम हियर. टेंट लगाया था उसका नाम ईगल रिसोर्ट है. तो आप कभी भी आ रहे हो तो प्लीज यहाँ पे आओ. इट्स रियली अ नाइस प्लेस. आप अपने सोल अपने माइंड को ना एकदम पीस अगर रिफ्रेश करना चाहते हो ना फिर से एक स्टार्ट, तो यहाँ पे आपको जरूर आना चाहिए. तो चलो आगे का सफर फिर आपके साथ तय करती हूँ, बने रहो मेरे साथ. हाँ, सो फाइनली गाइज आई एम हियर जो पूरे टॉप पे है. दिस इज़ द एडिकल केव, यू कैन सी पीछे है मेरे. तो यहाँ पे वो है जो मैं वो इंसिडेंट आप लोगों को बता रही थी ना कि टाइगर पकड़ा गया है, दैट इज़ फ्रॉम दैट केव ना भैया? फ्रॉम दैट केव. तो यहाँ पे वैसा कुछ सीन नहीं है, बट ऐसे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे घूम सकते हैं. बट हाँ, यहाँ पे परमिशन नहीं है स्टे करने के लिए शाम तक, बट आप ट्रैकिंग के लिए आ सकते हो, बस दैट्स इट. स्टॉप भैया, टेक द सिनेमैटिक वीडियो ना. ओके.